अगर आपको नहीं पता, मेरे को खाना बनाना और खिलाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैं सोचा कि क्यों ना मैं एक कोरियन डिश ट्राई करूं, क्योंकि मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया और ये मेरी और मेरा मेरा खाने का मन था। ओके ठीक है। तो हमने फिर और किमची के नूडल्स खाए थे ना अभी कुछ दिन बहुत पहले। पहले खाए थे, तो फिर मेरे को उनका फ्लेवर बहुत पसंद है। तो फिर ये एक वेजिटेरियन रेसिपी है, आप ट्राई आउट कर सकते हो, बहुत आसान है। तो फिर चलते हैं। तो फिर हमको पहले चाहिए कॉलीफ्लावर। मैंने एक बड़ा काटा, एक छोटा काटा, बट हाँ ये मैंने एक काटा है। ठीक है, इसने काटा है। तो फिर साइज ऐसे ही कुछ होना चाहिए। तो बेसिकली इसको गोचूजंग सॉस कहते हैं, तो फिर जो कि मैंने सोचा कि मैं इसको खरीदूं, बट ये कहीं मेरे को मिला नहीं या बहुत ज़्यादा महंगा था, तो फिर मैंने इसको बना ही दिया। बहुत आसान है, अगर आपको जानना है कैसे बनाते हैं, मैं एक लिंक छोड़ दूंगा, आप उसके ब्लॉग पे जाके आप देख सकते हो। बहुत आसान है ये, बस आपको करना क्या है जो मेरे को नहीं पता इसको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बैटर प्रिपेयर करेंगे। रहिए 1/3 कप मैदा, 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च, इसमें जाएगा अब 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट, और अब जाएगा 1/2 कप पानी इसमें। तो इसका तो ये बेसिकली कोटिंग के लिए है, हम इसमें कोट करेंगे, फिर हम उसको ब्रेड क्रम में कोट करेंगे सो दैट वो क्रंची बने, और फिर हम उसको ऑयल में फ्राई करेंगे। क्या करेंगे हम? अभी हम इसको इस बैटर में डिप किया हमने, फिर हम इसको इसमें मिलाएंगे, फिर हम इसको अच्छे से ऐसे ऐसे करेंगे। ओके गाइस, तो इसमें मैं अपना सॉस प्रिपेयर करूंगी। मैं अपने डालूंगी 2 टेबल स्पून, ये क्या नाम है इसका, गोचूजंग। हाँ, फिर अब जाएगा इसमें वाटर, 2 टेबल स्पून गुड़ का पानी, इसमें सोल्ट का जाएगा 1 टीस्पून, 1/3 कप केचप, तो इसी से सेम पैन में मैं ये सॉस, वो जो मिक्सचर हमने बनाया था वो हम डाल देंगे, और ये 2-3 मिनट लगेगा थिक होने में, और बस इसके बाद अगर कॉलीफ्लावर आपको को इसमें देखना डालना है है। नज़ारा कुछ ऐसा है, साफ करते करते लग जाएंगे वांट, बट कोई नहीं, कर हमें साफ लेंगे करना पड़ेगा साफ। ना मम्मी, हमें साफ करना है ना। तो गाइस वो जो सॉस था वो ऑलमोस्ट रेडी है, हाई फ्लेम में बॉईल करना है। उसके बाद आप डाल दीजिए अपने कॉलीफ्लावर जो था, उसको हम डाल देंगे इसके अंदर, ये डल गया, और ये हम थोड़ा सा इसको स्टर करेंगे, बस दैट्स इट। ये हमारा हो गया, बस नूडल शुरू कर दे, टेस्ट करना एक बार। ओके मैं ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई करना प्लीज। मैं बता, ये वीडियो के लिए नहीं कह रहा, लिटरली बहुत ज्यादा ही अच्छा है। सही में मैं अभी नहीं ट्राई करूंगी, नहीं अभी नहीं, मैं नूडल्स के साथ ट्राई करूंगी, एकदम प्रेजेंटेशन चाहिए। अबे चल चल, रेस्टोरेंट ये आप ट्राई करना, लिटरली मैं बता रहा हूँ बहुत आसान है। अब इसमें ये निकाल दो क्या इसमें? हाँ, अब बंद कर दो। रूमी क्या है रूमी? वो ऐसा कुछ लग रहा है, इस रेसिपी को ट्राई करके मैं कोरिया का दीवाना बन चुका हूँ। मतलब क्या कोरिया, मतलब कोरियन फूड कुजीन का दीवाना बन चुका हूँ लिटरली। गाइस बहुत अच्छा था, आप एक बार ट्राई करना, मैं एक और बार बोल रहा हूँ ट्राई करो, और बहुत अच्छा है, नो डाउट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मैं बता रहा हूँ, मैंने अब तक जितना बनाया ये वन ऑफ द बेस्ट था, वन ऑफ द बेस्ट था, और वर्थ इट। आई थिंक अब हम ज़्यादा साउथ कोरियन फूड ट्राई करेंगे, हमने कभी किया नहीं, पहली बार था। लाइक जब हम वो सॉस बना रहे थे ना, मैं तो काफ़ी थी कि यार ये क्या बन रहा है, क्योंकि उसमें अब वो जो सॉस था उसका नाम मैं भूल गई, क्या नाम था यार, भूल, अब गोचन गोच जो भी था, गोचूजंग, वो हम गोचूजंग सॉस। तो बेसिकली उसमें ना उसका कोई बहुत, उसके इतने सारे रेसिपी के वीडियोस थे यूट्यूब पे, जब हमने देखा तो उसमें से एक भी इंग्रेडिएंट हमारे पास नहीं था। तो फिर हमने एक ब्लॉग देखा किसी इंडियन का, उसने डाला था, तो वो ब्लॉग था और उसमें बहुत ही ऐसे रफली लिखा हुआ था, कुछ ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया था, कोई पिक्चर्स नहीं थे, तो हमें बहुत डाउट था कि अच्छा बनेगा या नहीं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, और अगर आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले ही वीडियो में।